नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय आलोक पाठक जी, उनका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के फेर में फंस गया है। आप कहेंगे फेर में कैसे फंसा, तो बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले ये उपचुनाव, जब भी लोकसभा चुनाव के बाद जो पहला चुनाव होता है उसी में उपचुनाव समेट लिया जाता है, लेकिन भाजपा 2024 की हार, सरकार बनाने के बाद भी जो मिली हार थी उससे इतनी विचलित थी कि उपचुनाव नहीं करा पाई। ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी जो विधायकों ने इस्तीफा दिया वहां भी नहीं करा पाई, मध्य प्रदेश में भी नहीं करा पाई, केरल में नहीं करा पाई, बंगाल में नहीं करा पाई, बिहार में नहीं करा पाई, तो कर्नाटक, कई राज्य 47 सीटें थी। अब 47 में एक फिर फंस गई मिल्कीपुर, सवाल उठे। अब इन सब के बावजूद जो अगला सवाल उठ रहा है, नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की लिस्ट नहीं आई, बाकी सभी राज्यों की आई। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जिनके बारे में अभी बड़ी चर्चा है कि योगी की हैट्रिक और योगी की ट्रिक और हरियाणा में हैट्रिक, बैठक बुलाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी पहुंच गए और उनके सुपर 30, वैसे तो सुपर 30 बिहार के एक शिक्षक की मानी जाती थी, अब यूपी की भी हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक ऐसा चेहरा था जो नहीं पहुंचा। उस चेहरे की सबको तलाश थी। 2017 का विधानसभा चुनाव उसी चेहरे ने लड़ा था और 325 सीटों का अभूतपूर्व बहुमत पाया और तब से लेकर अब तक वो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ता लड़ता आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है, बैठक में नहीं पहुंचे। सवाल बन रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य है कहां? उपचुनाव तलाश, और ऐसे में आरक्षण पर लेकर बयान भी दे बैठे। आलोक सर, सीधा सवाल है, क्या बीजेपी भीतरघात होगा बीजेपी में आपस में, क्या चुनाव हारेगी उपचुनाव जो अखिलेश यादव ने भीतर प्रेस्टीज इशू से जोड़ दिया है? नहीं, भीतरघात होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल केशव मौर्य लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे पार्टी के कार्यकर्ता तो बड़े उत्साहित हैं। याद करिए 14 जुलाई को जब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की ऐतिहासिक बैठक हुई थी, श्री कुमार जी, इसके पहले उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रादेशिक कार्य समिति की बैठक होती तो 400-500 लोग बुलाए जाते थे, इस बार लगभग 4000 डेलीगेट्स बुलाए गए थे। उस सभा के बीच में केशव जी ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से ही सरकार बनती है और हमारा काम है कि हम अपने संगठन के लोगों को इज्जत दें और उनको सम्मान दें। संगठन में निराशा होने की वजह से यूपी में हम चुनाव और कार्यकर्ता निराश रहे, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 में शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई। स्वाभाविक है, योगी खेमा और योगी के पत्रकार और योगी के कृपा पात्र पत्रकार, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, उनको बड़ा बुरा लग गया। अब देखिए, दो दिन पहले उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी बोला कि संगठन सरकार से बड़ा है और ये बकायदा इंटरव्यू दिया इन्होंने, सचिन मुद्रल को इंटरव्यू दिया है, दैनिक भास्कर की वेबसाइट पे पड़ा है, हमारे दर्शक जाके देख सकते हैं। वो बोला है कि संगठन ही चुनाव लड़वाती है, संगठन से ही सरकार बनती है, सरकार से संगठन नहीं बनती है। पार्टी और संगठन प्रचार मेहनत करते हैं तब सरकार बनती है, मतलब दूसरे। अब कल बड़ा ऐतिहासिक दिन था,
योगी जी का अपना काम करने का तरीका है और उनके कृपा पात्र पत्रकारों का। मैं कृपा पात्र पत्रकार का शब्द का इस्तेमाल जरूर करूंगा कि योगी जी का नुकसान ये कृपा पात्र पत्रकार ज्यादा कर रहे हैं। योगी जी की समस्या है कि उनके पास कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो यूपी के रहने वाले नहीं है, जिनको एबीसी यूपी का एबीसीडी नहीं पता है। एक एबीपी के पूर्व पत्रकार है प्रकाश नारायण सिंह, उन्होंने बकायदे तो कल ट्विटर पे लिख दिया है कि योगी जी आप जरा जनता से सीधे जुड़िए और जनता से सीधे जरा फीडबैक लीजिए, अपने इन बाहर के सलाहकारों पे और अधिकारियों पे भरोसा मत करिए, जमीन पे स्थिति बहुत खराब है, जनता बहुत नाराज है। और जो नेता जनता से कट जाता है उसको चुनाव में बड़ा नुकसान होता है। ये खुद प्रकाश नारायण सिंह ने कल ट्विटर पे डाला है और बोला कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए मुझे आपकी चिंता है। अब आता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव क्यों जीता है इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। इसकी चर्चा योगी के कृपा पात्र पत्रकार ये बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि योगी के ट्रिक की वजह से हरियाणा में भाजपा ने लगाई हैट्रिक, जबकि इसमें योगी की भूमिका है कि नहीं ये तो बात की सवाल है। जिस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी वजह से ये चुनाव पलटा है, एक्चुअली हरियाणा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट का अगस्त में एक निर्णय आया था कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए और जिन जातियों का आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार आरक्षण के कोटा में वर्गीकरण कर सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और सरकार इसको अपने हिसाब से इस पे फैसला ले सकती है। हरियाणा चुनाव में गैर जाटो समाज ने मांग की थी कि हमको भी हम आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए इसमें एससी के कोटे में वर्गीकरण कर दिया जाए कि जाटों को इतना परसेंट और गैर जाटों दलित को इतना मिलेगा। तब हरियाणा चुनाव में भाजपा ने यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार अब तीसरी बार बनती है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार इसको हम तुरंत लागू करेंगे। देखिए साहब, योगी के कृपा पात्र पत्रकार, मैं फिर कहूंगा योगी के कृपा पात्र पत्रकार और दूसरे प्रदेश से आए हुए सलाहकार ये सच नहीं बताएंगे। लेकिन कल परसों आदरणीय नायब सिंह सैनी ने जो पिछड़े समाज के आते हैं वो पिछड़े और दलितों का दर्द समझते हैं, तो उनको याद था कि हरियाणा चुनाव में हमने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो गैर जाटों के लिए हम दलित आरक्षण में वर्गीकरण की सुविधा हरियाणा में लागू करेंगे और उन्होंने कल इसको हरियाणा में लागू कर दिया। इस वायदे से क्या हुआ कि गैर जाटों दलित बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया और भाजपा वहां सरकार बनाने में कामयाब हो गई। अब मुझे योगी के कृपा पात्र पत्रकार बताएं कि इसमें योगी की कौन सी ट्रिक है। यूपी में तो नहीं हुआ, यूपी में दलित आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन केशव मौर्या जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जानते हैं कि दलित और ओबीसी हमसे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने साहिब नायब सिंह सैनी के इस कदम की ट्विटर पे खुलेआम सराहना की और बोला कि भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जहां जहां चल रही है वहां वहां दलितों में हर दलित उन जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण शुरू करना चाहिए। योगी जी कुछ नहीं बोले, केशव मौर्या ने इसको बोला, इसको ट्वीट किया और नायब सिंह सैनी के वक्तव्य का स्वागत किया। मायावती दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रही है, उस विरोध पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोली और योगी जी ने भी उस पे कुछ नहीं बोला। हरियाणा चुनाव में क्या किसी को पता है कि बीजेपी ने वादा किया था और जो ये पत्रकार कहते हैं कि योगी की ट्रिक चल गई, भाजपा की हैट्रिक, वो दिखा दे कि हरियाणा में किस मंच से योगी जी ने कहा था कि हमने नायब सिंह सैनी को फोन करके बोला है, या कोई मैसेज दिला दिखा दे। यहां समस्या ये है, तो जो दलित और पिछड़ों वर्ग से आएगा ना सुकुमार जी, जो कार्यकर्ता होगा, जो जमीन से उठ के आएगा, जो उसको विरासत में चाचा की गद्दी नहीं मिली है, चाचा की गद्दी जब मैं बोल रहा हूं ना तो हमारे यूपी के समझदार दर्शक समझते हैं
किसको अपने चाचा की वजह से गद्दी मिली है, किसको अपने चाचा की वजह से संसद में पहुंचने में आसानी मिली है? केशव जी गरीब हैं, पिछड़े हैं, संघर्ष करके आए हैं। 1990 से लेकर 92 तक कार सेवा की उन्होंने अयोध्या में, अशोक सिंघल के साथ रहे हैं। वो 2012 में सिराथू से विधायक बने, विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं अशोक सिंघल, उनसे उन्होंने उनकी सेवा की, उनके साथ सेवा और सनातन धर्म को समझा है। उनकी उंगली पकड़कर उन्होंने सनातन और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए क्या करना सब कुछ सीखा है। ये ठीक है केशव जी ने कोई धार्मिक चोला नहीं पहन रखा है, लेकिन वो कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। ये मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि कृपा पात्रों को समझ में आए कि कर्मयोगी कौन होता है। सर, सर मैं आपकी इन सब बातों से सहमत हूं, सब बातों को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य बैठक में क्यों नहीं गए, उसका क्या राय? देखिए अब देखिए केशव जी और योगी जी दोनों का उद्देश्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, तो उनको लगा होगा भाई योगी जी मीटिंग ले रहे हैं 30 मंत्रियों की और उसमें तो नहीं गए, कुछ और महत्वपूर्ण काम कर रहे होंगे, या तो उनको दिल्ली से निर्देश होगा कि इस पर तुम ये काम करोगे। मैं बार बार कहता हूं केशव जी अमित शाह और मोदी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और भाजपा में हर आदमी तो मोदी और शाह के बनाई हुई नीतियों के तहत काम करता है। वैसे योगी जी भी बात कहते हैं कि जो योगी जी का दिशा, योगी जी भी कहते हैं जो नरेंद्र मोदी जी के का आदेश होता उनकी उनकी नीतियों पे का पालन करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। योगी आदित्यनाथ भी हर चीज के लिए श्रेय मोदी जी को ही देते हैं, अमित शाह जी को ही देते हैं। तो ये खबर तो सही है, कल से इस चीज की बड़ी चर्चा है कि उपचुनाव के दौरान मीटिंग हो रही है, मीटिंग में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बैठे हैं, बृजेश पाठक बैठे हैं, बाकी मंत्रीगण बैठे हैं, जिन हर जिले में जहां विधानसभा उपचुनाव वहां तीन तीन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, बृजेश और 30 मंत्री बनाए गए हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी को कुछ सीटों का प्रभारी बनाया गया है, दो तीन सीटों को केशव जी को प्रभारी बनाया गया है, 2-3 सीटों का प्रभारी बृजेश पाठक जी को बनाया गया है, 2-3 सीटों का प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी बनाया गया है। अब देखिए जो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, ये सच है कि केशव जी कलमा नहीं थे, लेकिन ये भी सच है कि नयाब सैनिक ने जैसे ही ये किया कि हम दलितों में क्या आरक्षण में हरियाणा में वर्गीकरण मतलब कि का लाभ हम सबको देने जा रहे हैं, बाकी दलितों को भी देंगे आरक्षण में, बड़ा स्टेटमेंट था, इसका स्वागत ट्विटर पे केशव मौर्य जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स में इसपे डिटेल में लिखा भी है, और मैं भी आपसे कल ही कह रहा था कि इस पे चर्चा की जाएगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गैर जो जाटव दलित है वो समाज बार बार मांग रहा है कि भैया आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए ताकि हमारे समाज के लोगों को भी दलित आरक्षण का फायदा मिले। कई जातियां ऐसी हैं, और यही ओबीसी में भी करने की बात हो रही है, ओबीसी आरक्षण में भी भाई ज्यादा फायदा यादव और कुर्मी, यादव समाज और कुर्मी समाज ले जा रहा है, बाकी वो ओबीसी समाज को नहीं मिल रहा है। तो खैर इस पे ये एक पॉलिसी डिसीजन है, हर राज्य सरकार को अपना अपना लेना है। और देखिए कल भी मैंने कहा था श्री कुमार जी, अभी तक उत्तर प्रदेश की जब तक हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं दिन में 1:30 बजे के करीब हम आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक लिस्ट नहीं आई उत्तर प्रदेश भाजपा की लिस्ट नहीं आई है। आज 20 तारीख हो गए, 23 या 24 तारीख अंतिम तिथि है 9 सीटों पर जहां पे चुनाव होना उस पर नामांकन करने की।
और समाजवादी पार्टी ने तो 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। तो और ऐसे समय में ये बयान आना कि हम बाकी राज्यों में भी आरक्षण में जो आरक्षण है, चाहे दलित का चाहे ओबीसी में, उसमें वर्गीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। अब देखना यह है आरक्षण, और ये तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, खास करके जो नहीं उठाया, नहीं केशव जी ने मौर्य नहीं उठाया है, ये हरियाणा में बीजेपी ने वायदा किया था। गैर जाटा संविधान ने आरक्षण में वर्गीकरण की मांग उठाई थी उस वक्त, तथा भाजपा ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो दलित आरक्षण में वर्गीकरण करेंगे, और नयाब सिंह सैनी ने कल वहां पे कर दिया। क्योंकि हर जगह जो है दलितों में, आप समझना पड़ेगा, जो दलित हैं, दलित आबासी में आबादी में 50% जाटा बिरादरी से है, और बाकी छोटी छोटी जो अन्य जातियां होती हैं उनकी आबादी भी 50% है। लेकिन जाटा समाज को 22 जो दलितों का आरक्षण का ज्यादातर लाभ जाटा समाज को मिल रहा है, इसलिए बाकी जातियां जो दलित हैं वो चाह रही थी कि भी हमको भी आरक्षण का पूरा लाभ मिले। अनुप सर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में अब तक 9 आदमी नहीं ढूंढ पा रही है, 9 आदमियों के नाम घोषित नहीं कर पा रही है, जबकि इधर सब खुली किताब है। विपक्ष ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वो क्षेत्र में घूम रहे हैं पिछले 15 दिन से 20 दिन से। देखिए भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, वो कैसे चुनाव लड़ेगी हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर अब तक नाम नहीं फाइनल हुआ इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके आंख कुछ है, विरोध है, कुछ लोग क्लियर नहीं है। कोई भाई ऐसा थोड़ी कि 300-400 लोगों की लिस्ट निकालनी है। झारखंड में 47 जगहों पे मेरे हिसाब से फर्स्ट फेज में चुनाव होना है, और 47 सीटों के नाम आ गए हैं अगर मेरी जानकारी सही है तो जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 9 ही जगह चुनाव होना है, मिल्कीपुर तो भी होना नहीं है। सर मिल्कीपुर जरूर आप चर्चा कर देते हो घुमा फिरा के, क्योंकि क्योंकि भाई हमको तो केस भाई अखिलेश यादव को उस बयान में सच्चाई नजर आती है कि भाई योगी जी ने सर्वे कराया है मिल्कीपुर में, वो हार रहे हैं इसीलिए वो चुनाव नहीं चाहते अभी हो। उनके आरोप में दम केशव प्रसाद मौर्य नहीं जा रहे, उनके पिछड़े बड़े चेहरे हैं, पिछड़ों के नेता हैं, 325 सीटें जिताते हैं, लोकसभा में जिताते हैं, 2019 में लोकसभा का नेतृत्व करते हैं वो, और उसके बाद जब अखिलेश और मायावती चुनाव लड़ते हैं मिलकर तब वो बीजेपी को 64 सीटें दिला ले जाते हैं, 63-64-64, एक कांग्रेस जीतती है, 5 अखिलेश जीते हैं, 10 बसपा। और इस बार अलग थलग है सब मामला, क्या उपचुनाव हारेगी बीजेपी? अब देखिए कुछ ना कुछ तो है भाई मतभेद, क्यों बार बार प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से ही सरकार बनता है, क्यों केशव जी बार बार मंच से कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, क्यों योगी के पूर्व मंत्री मतलब अभी क्या कैबिनेट मंत्री थे पिछली सरकार में मोती सिंह, उन्होंने प्रतापगढ़ में मंच से कह दिया था, कई नेताओं ने कहा है, राजू दास महंत राजू दास आगरा के, उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी, अपनी मनमानी की, इसीलिए हम अयोध्या में हार गए। उसके बाद आप याद करिए जैसे महंत राजू दास ने, जो भाजपा के प्रबल समर्थक हैं, योगी जी को के प्रबल समर्थक हैं, मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं, जैसे उन्होंने बयान दिया, आगरा के डीएम पे सवाल उठाया, तत्कालीन डीएम ने आगरा के उनके गनर तक वापस ले लिए, सोचिए अयोध्या की, हाँ। और उसके बाद वो मामला गर्म हो गया तो शायद उनकी सीधे बीएल संतोष से बात हुई, और उसके बाद आगरा के तत्कालीन डीएम का ट्रांसफर किया गया। अयोध्या सर, आगरा नहीं, अयोध्या, 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 हाँ गलत बोल गया मैं, अयोध्या के तत्कालीन डीएम का ट्रांसफर किया गया। तो ये तो है ना, मैसेज जा रहा है ना। देखिए कार्यकर्ता उदास थे, उदास थे इसीलिए वाराणसी में नरेंद्र मोदी मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं, जहां वो 2.5-3 लाख वोटों से जीता करते थे,
लखनऊ में राजनाथ सिंह भी 2.5-3 लाख वोटों से जीतते थे लेकिन 1.5 लाख वोटों से जीत पाए। कई सीटें कार्यकर्ताओं को दरअसल की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता निकले ही नहीं, वो कई क्लोज मार्जिन की सीटें वो लोग हार गए, जैसे चंदौली मान सकते हैं 20-22 हजार वोटों से वहां हारे हैं। कई सीटें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी को, जैसे मुजफ्फरनगर में भी बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, वो भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी पड़ी। बस्ती में कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी पड़ी। श्रावस्ती एक सीट थी, वहां पे भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी पड़ी, भाजपा बुरी तरह से हार गई। तो कई ऐसी सीटें हैं जो भाजपा हार गई है। तो अब ये भाजपा की अपनी परेशानी है। फिलहाल केशव जी आज भी वो कई कार्यकर्ताओं से मिले हैं, रोज मिलते हैं, पार्टी का काम करते हैं। जबकि एक बात बता दूं, वो जहां तक मेरी जानकारी है वो पूरी तरह से अभी शारीरिक उनको कुछ मतलब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उसके बाद भी लगातार काम कर रहे हैं। बात आप ठीक कह रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी बड़ी एक समस्या सामने खड़ी है सर। आखिर बड़ी कठिन है डगर पनघटकी, कैसे आएगी ये भर के उपचुनाव की बचकी। सर सब नाराज रहे और बनी रही खटका खटकी, तो फिर चुनाव में कर देंगे अखिलेश यादव भी पटका पटकी। अब देखिए जब आप बटे रहेंगे तो बच्ची को तो फायदा होगा ही ना। सर आप कैसे बचे रहेंगे, योगी जी ने नारा दे दिया, आरएसएस प्रमुख उसी नारे पे चल पड़े, उसी पे नरेंद्र मोदी चल पड़े, आप भी ऐसी बात कह। अरे सर ये भाई, अरे सर सुनिए, सर सुनिए, सुनिए सर सुनिए, मैं योगी का नुकसान योगी के जो कृपा पात्र पत्रकार वो ज्यादा पहुंचा रहे हैं। कहां कृपा है सर, कहां कृपा रुकी है। अरे सर कृपा पात्र पत्रकार हैं कुछ जो सोचते हैं कि भाई उनकी नौकरी चल रही है उसी वजह से। देखिए योग अगर अगर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा काम किया 2014 से 2017 तक। तो आपकी गाड़ी एंट्री करती थी पांच कालिदास मार्ग पर। श्री कुमार जी मेरी बात सुनिए, अखिलेश यादव ने 2014 से लेकर 2017 तक जबरदस्त काम किया, लेकिन उनके नवरत्न थे, उनके नवरत्नों ने ऐसा नुकसान पहुंचाया कि समाजवादी पार्टी। बात करते हैं तो सत्यता की करते हैं, बात करते हैं तो फिर वो सारी बातें रखते हैं ईमानदारी से जिन्हें रखा जाना चाहिए। वो नवरत्न कहाँ है सर आजकल। देखिए ना नवरत्न पूछिए, राजेश यादव कहाँ है, सुनील सिंह साजन कहाँ है, सब नवरत्न कहाँ चले गए। आप नवरत्नों को पूछिए, नवरत्न कहां गायब है, अब नवरत्न नजर नहीं आते हैं। और उसमें तो कई ऐसे थे जिनके बूथ पर 10 वोट भी नहीं मिला था। अच्छा हाँ तो लेकिन उसके बाद अखिलेश, हाँ अखिलेश जी ने उन नवरत्नों से दूरी बनाई। हाँ उसमें एक नवरत्न माने जाते थे आनंद भदौरिया, लेकिन वो मजबूत आदमी थे, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया और देखिए इस बार वो चुनाव जीते हैं 5,000 वोटों से, लोकसभा का चुनाव जहां किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएंगे। हाँ 5,000 वोटों से, देखिए सपा का जो आदमी चुनाव लड़ रहा था उसके बाद कितने सीमित संसाधन थे पता था ना। तो बाकी सब गायब है। उसी तरह से ये जो योगी जी के करीबी होने का जो लोग दावा करते हैं, बल्कि योगी जी में कोई कमी नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। मैं योगी जी की कुछ नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन योगी जी की मेहनत पर कभी सवाल नहीं उठा सकता हूं।
बहराइच में दंगा हुआ, योगी जी बीजी थे, दिल्ली चले गए, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, वहां चले गए, जाना जरूरी था, दिल्ली में पार्टी की मीटिंग थी, अगले दिन रात को आते हैं, सुबह आते ही लखनऊ जब पहुंच जाते हैं तो फिर अधिकारी भागे भागे जाते हैं और डेढ़ दिन बाद वहां हिंसा पे सरकार नियंत्रण कर पाती है। और ये भी एक सच है कि कल जैसे मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई तो सरकार ने तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी, जो एक पोस्ट एक समुदाय एक लड़के ने एक पोस्ट डाल दी थी तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई, उनको उस लड़के को जेल भेजा गया। दूसरा जहां वो अच्छा काम करेंगे वहां उनकी तारीफ करी की जाएगी, मैं खुल के करूंगा, लेकिन ये जो सलाहकार हैं जो उनको वस्तुस्थिति नहीं बताते हैं, जो ये कुछ पत्रकार हैं भाई, योगी जी ने तो कभी नहीं मंच पे आके कहा कि मेरी वजह से हरियाणा में भाजपा जीत गई, कहा क्या? नहीं है, कोई एक भाषण सुना दीजिए, हम दिखा दीजिए हमको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत है सर। अब केशव जी है कहां, मुद्दे पर आ जाइए, केशव जी है कहां? देख केशव जी फिलहाल अपना काम कर रहे हैं और एक अखबार ने सवाल उठाया नवभारत टाइम्स ने कि केशव जी का बयान को उन्होंने छापा है और छापने के बाद जो लिखा है, चूंकि जो केशव जी कर रहे हैं इसलिए बाकी भक्त पत्रकार तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आलोक पाठक को तो करना है और नवभारत टाइम्स की हिम्मत को भी मैं सलाम करता हूं। लिखा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा एससी और एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी है जो 75 साल बाद भी पीछे रह गए हैं, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। देखिए वो विपक्ष को कह रहे कि ये काम आपको भी करना है, आपके सहयोग से होगा, इसका विरोध अस्वीकार है। केशव मौर्य ने कहा कि हरियाणा सहित भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर मोदी जी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को भाजपा सहित सभी राज्यों में आरक्षण का वर्गीकरण लागू करने का इशारा माना जा रहा है। यहीं से सवाल उठ रहा है कि यूपी में इस बारे में भाजपा और सरकार की क्या सोच है, क्योंकि सरकार तो मतलब योगी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री वही है, क्या भविष्य में ऐसा भी हो सकता है? दरअसल सीएम योगी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेश चौधरी की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हरियाणा में वर्गीकरण के फैसले के बाद इस तरह का बयान परिस्थितियों को भांपने की प्रक्रिया हो सकता है, इस पर आगे और लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती, दलितों में इसका क्या रिएक्शन होता है, यह सब भांपने की कोशिश है, क्योंकि हरियाणा में आपने गैर जाटों दलितों ने आरक्षण में वर्गीकरण की बात की, भाजपा सरकार ने वादा किया, गैर जाटों दलित ने उनको वोट दिया, उनकी सरकार बन गई, तो यहां पे भी वो गैर जाटव दलित को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि सच यही है शिव कुमार जी कि उत्तर प्रदेश में दलित जो जाटव आबादी है वो 10-11% है और भाजपा सपा का जो वोट बैंक है वो कहते हैं जाटव तो हमेशा बहन जी के साथ रहता ही रहता है, बसपा का वोट कम होना शुरू हुआ तो 20% तक रहा, लेकिन वो 2022 के चुनाव में 13% हुआ, तो उसमें दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ चला गया, कुछ सपा के साथ गया, और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बसपा का वोट शेयर जो है 13% से घटके लगभग 9% तक आ गया। तो वही गैर जाटों वोट बैंक पे देखिए, कहते ना कि केशव जी समझ गया कि हरियाणा चुनाव में हमने गैर जाटों दलित की बात को सुना और उनसे वादा किया कि हम आरक्षण में वर्गीकरण लागू करेंगे, उन्होंने भाजपा को वोट दिया और नतीजा यह रहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार चुनाव बनाने सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इसीलिए केशव जी ने तुरंत बिल्कुल इस निर्णय का स्वागत किया। ये बड़ा मुद्दा है
दलितों में यादव के पिछड़ों में यादव के अलावा कुर्मी के अलावा कई जातियां छोटी छोटी जिन्हें बताया जा रहा है कि न्याय नहीं मिल रहा है। साथ ही दलितों में अगर हम बात करते हैं तो जाटव के अलावा अन्य समुदाय परेशान नजर आते हैं, और इसी को लेकर बिहार में महादलित और अति पिछड़ा का कॉन्सेप्ट आया। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पर आगे क्या होगा, उसमें रामविलास पासवान का बड़ा मुख्य रोल था, लालू प्रसाद यादव का। जिन जिन दो जगहों पे चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, झारखंड और महाराष्ट्र में भी बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, हरियाणा सरकार ने तो भाई उपवर्गीकरण लागू कर दिया, इसीलिए आनंद फानंद में लागू और हुआ है। हाँ, तो यहाँ नौ, एक साथ नौ विधानसभा उपचुनाव पे नजर है, प्लस झारखंड में वापस सत्ता पानी है। महाराष्ट्र, झारखंड, दलित आदिवासी दोनों है ना, दोनों बड़ी तादाद में। हाँ, तो फिलहाल भाजपा, अब इसमें दर्शकों को मैं बता दूं कि 15% दलितों का आरक्षण होता है और 7.5% SC ST का, ST का होता है। तो सर बस एक छोटा सा एक कमेंट और कर दीजिए कि इस पूरे उपचुनाव को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट नहीं आई है, समाजवादी पार्टी अपने 7 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कैसे काम चलेगा, दो सीटें हैं वो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के चलते रुकी है, सपा तो तुरंत ऐलान कर देगी, तुरंत ऐलान कर देगी, लेकिन भाजपा खामोश क्यों? अब ये देखिए, मुझे तो लग रहा है कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। मैं एक लाइन में बता रहा हूं, अगर सब कुछ ठीक होता तो अब तक ही आ जाता, और योगी और केशव मौर्य कम से कम एक साथ दिखते कल चुनाव को लेके मंत्रियों। हैं, चलिए, बिल्कुल आपने बड़ा सटीक जवाब दे दिया कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। इसी के साथ, इसी कमेंट के साथ दर्शकों से जानना चाहूंगा उनकी राय क्या थी, क्या भाजपा में सब ठीक चल रहा है, क्या उम्मीदवारों की लिस्ट किसी और कारण से नहीं हुई है? तो इसी सवाल का हमें जवाब जरूर दीजिए कमेंट में लिखकर, और हमारे विश्लेषण को भी आप जांचते रहिए, परखते रहिए, कोई तथ्य गलत तो नहीं प्रस्तुत कर दिया, अगर किए तो आप हमें कमेंट कर बताइए, निश्चित हम उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जो अब तक भी सब्सक्राइब न किए हैं वो सब्सक्राइब आज ही कर लें, बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि हर विश्लेषण आप तक जाए, और फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे। आलोक सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।